तो आज मैं आपको हेयर लेयरिंग करने का तरीका बता रहा हूँ। ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है और मौसम भी बहुत ही बढ़िया है क्योंकि बरसात के मौसम में ये बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको चीकू, चकोतरा, मौसमी किसी भी पौधे में बहुत ही आसानी से हेयर लेयरिंग कर सकते हैं। और एक पेड़ से लगभग 10 पेड़, 20 पेड़, कितने भी पेड़, जितनी टहनियाँ अपन ले सकते हैं उतने पेड़ दूसरे तैयार कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी अच्छी वैरायटी का पौधा हो आपके पास में जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फल लगते हो, उसके आप चाहे जितने पेड़ तैयार कर सकते हैं, सेम वही वैरायटी तैयार होगी जितने पेड़ या जितने फल वो पेड़ दे रहा है, उससे जो पेड़ तैयार किए हुए हैं वो सारे उसी वैरायटी के, वही साइज के, वही क्वालिटी, उतना ही उत्पादन, सेम वही सब कुछ आपको दे देगा। इसके लिए एयर लेयरिंग की जाती है। और आपने देखा होगा कि छोटे छोटे आप नर्सरी से पौधे लेके आते हैं तो उनमें फल लगे हुए होते हैं, तो उसका रीज़न यही होता है क्योंकि वो बीज से लगाए हुए नहीं होते, वो एयर लेयरिंग की हुई होती है उनमें, तो उससे पेड़ लगाते ही वो फल देना शुरू कर देता है। अब इसमें जो सामान चाहिए होता है उसमें कोकोपीट का ईंट जो बाज़ार में मिल जाता है कहीं पर भी, पॉलीथीन, चाकू और उसके चारों ओर बांधने के लिए टेप या रस्सी ले सकते हैं। ये सामग्री अपन को चाहिए होगी, तो जो जितनी अपन को यूज में लेनी है उतना हिस्सा कोकोपीट का तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद में उसको किसी भी बर्तन में गीला करके और पूरी जितना हो सके उतना उसको पूरा निचोड़ के, पानी पूरा निकाल के, और फिर वो एयर लेयरिंग में बांधने लायक हो जाता है। सबसे पहले अपन को इसको जो भी सीधी टहनी है उसमें एयर लेयरिंग करनी हो, उसके चारों ओर जो टहनी के ऊपर जो छाल होती है उसको गोल राउंड में काटनी है, एकदम बराबर गोल राउंड, ऐसे चाकू से, कोई भी आरी छुरी चाकू कुछ भी हो उससे आप गोल राउंड में उसे अच्छी तरह से काट ले एक बार। ये बहुत ही आसानी से कट जाती है। फिर इसको कट मार के, और ये जो तरीका है इस तरीके से इसको अलग करना है। ये अलग हो गया इससे। अब इसकी थोड़ी सी सफाई और कर देंगे क्योंकि कई बार इसमें हल्का फुल्का इसका असर रह जाता है, तो थोड़ा सा एयर लेयरिंग में उठान में दिक्कत आती है, तो इसे थोड़ा अच्छी तरह साफ कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद में पॉलीथीन और कोकोपीट लेना, अच्छी तरह से कोकोपीट का ध्यान रखें, बिल्कुल गीला भी नहीं हो, सूखा भी नहीं हो, अच्छी तरह से निचोड़ के फिर बाद में यूज में ले सकते हैं। ये इसमें बराबर
तने के बराबर सेम चारों ओर कोकोपीट आ जाए, कहीं कम ज़्यादा नहीं हो। फिर इसे थोड़ा टाइट करके और बांधना है, क्योंकि लूज में पानी घुसने का डर रहता है बरसात के मौसम में। तो अगर पानी घुस जाए और वो सूखे नहीं, ज़्यादा गीला रहे, तो फिर फंगस आ जाती है। इसलिए इसे अच्छी तरह से टाइट करने के बाद में ऊपर इसके टेप लगा देंगे। टेप लगा दो या और किसी चीज़ से बांध सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि टेप ही लगाएं, क्योंकि टेप लगाने का मतलब है थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह से इसका टहनी के पास से मुंह अच्छी तरह बंद हो जाएगा। ऊपर वाले मुंह के जो ऊपर वाला मुंह है टहनी के ऊपर की साइड में आता है, उसको सावधानी से बंद करना होता है, क्योंकि इस पर पानी घुसने का ज़्यादा डर होता है। बरसात का मौसम है, पानी घुस सकता है। ये अपना एयर लेयरिंग कंप्लीट हो गया। अभी से कम एक महीने के लिए छोड़ना होगा। एक महीने बाद में इसमें यहाँ जड़ें टिकने लग जाएगी, उस टाइम ऐसे कटाई करके और दूसरी जगह अपन शिफ्ट कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं।